दोस्तों, मेरा ऑल देशों में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी मैं न्यूज़ देख रहा था दैनिक भास्कर के ऊपर। दैनिक भास्कर के ऊपर मैं क्या देखता हूं कि एथर अपना नया स्कूटर लॉन्च करने वाला है, लगभग 3 अगस्त के अराउंड लॉन्च होगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वो कौन सा स्कूटर रहने वाला है। ये है उसका, ये ओला S1 को टक्कर देने के लिए एथर 450S की प्री बुकिंग शुरू करी है। प्री बुकिंग भैया चालू हो गई, आप जाके प्री बुकिंग करना चाहें, अगर एथर पर आपको विश्वास है, अगर भरोसा है तो वहाँ से जाके कर सकते हैं। 3 अगस्त से इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है। तो ये देखिए ऊपर आ ही रहा है यहाँ पर एथर गजब, यानी एकदम धांसू है, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लगती है। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों की बात करूँ तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एथर 450S रेंज, बैटरी और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इसके जो कंपैरिजन किया गया है वो किया गया है 125 cc की, कोई भी इंडस्ट्री में जो भी बाइक है उसके साथ इसका कंपेयर किया गया है। बाकी जो इसके अंदर आपको पावर मिलने वाला है वो मिलने वाला आपको 8.58 BHP का पावर मिलने वाला है, 26 Nm का टॉर्क मिल जाएगा जो अच्छा खासा जनरेट कर लेगा। मैक्सिमम स्पीड जो मिलने वाली इसकी 90 km/h की आपको स्पीड मिलने वाली है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो लगभग 3 kW की इसमें मोटर दी गई है। बैटरी पैक जो आप एक बार चार्ज करेंगे तो ये जो चलेगी ना गाड़ी वो चलेगी आपकी 115 km, 115 km एक चार्ज में चल जाएगी, तो अभी तक तो काफ़ी बढ़िया है। ऑन पेपर इसके जो स्पेक्स हैं अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन आप देखना होगा आने के बाद जब इसका रिव्यू किया जाता है तो इसमें कितने बेहतर स्पेक्स आपको ऑन पेपर से रियल टाइम में देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको और किसी वीडियो में जब ये लॉन्च हो जाएगी तब। अभी के लिए बाय।